बिहार का वांटेड कुख्यात बदमाश दिल्ली से गिरफ्तार, हथियार बरामद। अपहरण, हत्या, हत्या के प्रयास और फिरौती के 6 से ज्यादा मामलों में वांछित था। बिहार में एक नेता के काफिले पर AK-47 से फायरिंग का है आरोपी। एक महीने से दिल्ली NCR में छिपकर रह रहा था। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने बिहार के एक ऐसे कुख्यात बदमाश को गिरफ्तार किया है जो बिहार में वारदात करके दिल्ली NCR में छिपकर रह रहा था। पकड़े गए आरोपी के पास से पुलिस ने हथियार भी बरामद किए हैं। गिरफ्तार आरोपी की पहचान आजाद अली के रूप में हुई है। आजाद अली और उसके साथियों ने सिवान में विधान परिषद चुनाव से लौट रहे एक नेता के काफिले पर AK-47 से जानलेवा हमला किया था जिसमें 5 लोग घायल हो गए थे। आजाद अली अपहरण, हत्या और हत्या के प्रयास के आधा दर्जन मामलों में वांछित चल रहा था। स्पेशल सेल के ACP अतर सिंह और इंस्पेक्टर शिव कुमार को जानकारी मिली थी कि बिहार का एक खूंखार गैंगस्टर आजाद अली, जो कि बिहार में कई आपराधिक मामलों में वांछित है, जो दिल्ली NCR में छिपा हुआ है। जांच में पता चला कि आजाद अली अपने एक सहयोगी से मिलने के लिए राजघाट के पास आने वाला है। बिहार पुलिस की STF की टीम भी स्पेशल सेल के साथ थी। संयुक्त टीम को आजाद अली आता दिखाई दिया। पुलिस ने उसको रुकने के लिए कहा लेकिन आजाद अली ने भागने की कोशिश की। पुलिस टीम ने आवश्यक दल बल का प्रयोग करके उसे पकड़ लिया। आजाद अली के कब्जे से एक पिस्टल और 3 कारतूस बरामद किए गए। पूछताछ में उसने बताया कि अप्रैल में बिहार के सिवान क्षेत्र में अंधाधुंध फायरिंग के मामले में वांछित है। आजाद अली ने बताया कि उसने आफ्ताब आलम और कुख्यात माफिया डॉन शाहबुद्दीन के बेटे ओसामा और अन्य साथियों के साथ मिलकर एक नेता मोहम्मद रहीस खान की कारों के काफिले पर उस समय AK-47 राइफलों से अंधाधुंध फायरिंग की थी, जब वे रात को विधान परिषद चुनाव के दिन अपने गांव लौट रहे थे, जिसमें मोहम्मद रहीम और कार में बैठे 2 लोगों समेत 5 लोगों को कई गोलियां लगी थी। 5 घायल व्यक्तियों में से एक विनोद यादव की बाद में अस्पताल में मौत हो गई थी। आफ्ताब आलम और रईस खान बिहार में सिवान के कुछ कुख्यात अपराधी है और एक दूसरे के साथ रंजिश चल रही थी। आफ्ताब आलम को गैंगस्टर शाहबुद्दीन के बेटे ओसामा का सपोर्ट है। आजाद अली बिहार में हत्या और हत्या के प्रयास, डकैती, फिरौती के लिए अपहरण जैसे 6 आपराधिक मामलों में शामिल है। आजाद अली की इस वारदात के कुछ दिन बाद दिल्ली NCR आ गया था। तब से वह दिल्ली NCR के इलाके में छिपकर रह रहा था। पुलिस ने उसको गिरफ्तार करके आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। टॉप स्टोरी ब्यूरो के लिए दिल्ली से राकेश रावत की रिपोर्ट।